हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको विश्वम सर, जहाँ पढ़ते हैं आप इकोनॉमिक्स बहुत ही अलग अंदाज में। तो कैसे आप सब, मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, पढ़ तो रहे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, अच्छा है। मतलब ये मान लीजिए इंटरनल के लिए हिसाब से तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, पर लेकिन हाँ एक्सटर्नल के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये आपका एमए के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, एमए के सिलेबस में नहीं है, ये बीए के सिलेबस में है। तो जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो ध्यान रखें, अगर आपको नॉलेज के लिए पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, पर लेकिन अगर आप एग्जाम के इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो सिर्फ बीए के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एमए के बच्चों के लिए नहीं होता है। तो अभी हम आगे स्टार्ट करते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय बड़ी ही सिंपल है, इनके ज़्यादा बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा। देखो बात ये थी, हमने इससे पहले जितने भी टॉपिक पढ़े हैं आपके, बी आर अम्बेडकर और जे के मेहता या और सारे, वो कुछ ना कुछ देखो हर कोई क्या था, या तो अर्थशास्त्री था मतलब इकोनॉमिक्स था, या वो राजनीतिकार था मतलब कि आपका पॉलिटिकल साइंस का था, मतलब कि एक फील्ड में था, क्या था, एक फील्ड का व्यक्ति था। पर लेकिन यहाँ पर क्या होता है, दीनदयाल उपाध्याय हर फील्ड में इन्होंने अपनी बातें कही है। मतलब ये ऐसे व्यक्ति थे जो राजनीति, दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, हर तरह के विचार इन्होंने अपने प्रकट किए हैं। तो ये कितने महान भी कहेंगे ना, महान थे कि सभी चीज़ों में इन्होंने अलग अलग विचार दिए, और अलग अलग विचार में इन्होंने जो लेख लिखे वो बहुत ही अच्छे लेख माने गए, ठीक है। अब इनका थोड़ा सा हम जीवन परिचय देखेंगे, बहुत छोटे में देखेंगे। 25 सितंबर को 1916 में मथुरा में, मथुरा के जिले में जो कि चंद्रभाव गांव में इनका जन्म हुआ था। शिक्षा इन्हें पिनाली, आगरा और इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। 1951 या छन पॉइंट है, आता है कई बार, 1951 में इन्होंने अखिल भारतीय संघ, जो आपका अखिल भारतीय संघ है उसको इन्होंने ज्वाइन किया था, वहाँ के संगठन मंत्री बने थे, और 1953 में ये महामंत्री बन गए, और 1967 में अखिल भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष बन गए। मतलब इन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया, एक संगठन मंत्री से किया, फिर महामंत्री, फिर ये एंड में उसके अध्यक्ष बन चुके थे, ठीक है, जनसंघ के अध्यक्ष बन गए थे। ये कुछ पॉइंट हैं जो इनके आते हैं, ठीक है, यहाँ से ये नोट डाउन जरूर कर लेना, ठीक है। इन्होंने मेन, इनके विचार किस पर है, मेन विचार इनके राष्ट्रवादी दर्शन पर है। किस पर, राष्ट्रवादी दर्शन, मतलब कि ये राष्ट्र का विकास चाहते थे। अब राष्ट्र का विकास किससे चाहते थे, ये भी इनका मेन पॉइंट है, ये सांस्कृतिक विकास चाहते थे। कैसा, कि देश में सांस्कृतिक, दार्शनिक और अलग तरह के विकास हों, और उसमें ये चाहते थे मानववाद। क्या, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एक मैंने कहा था राष्ट्रवाद, सांस्कृत दार्शनिकवाद, और लास्ट में मानववाद। अब ये मानववाद से संबंध क्या है, मानववाद से संबंध है, ये चाहते थे मानव का विकास होना, क्या, मानव का विकास हो, और किस तरह का हो, सार्वजनिक, मतलब हर तरह से विकास हो, हर प्रकार से विकास हो, ये नहीं कि सिर्फ एक ही चीज़ में, आर्थिक है तो सिर्फ आर्थिक विकास, नहीं, हर प्रकार का विकास, हर तरह का विकास इन्होंने कहा, कि चाहे वो आर्थिक हो चाहे सामान्य हो, हर प्रकार का विकास व्यक्ति का होना ही चाहिए। और इनके पूरे के पूरे मॉडल में, मतलब कि पूरे कॉन्सेप्ट में यही चीज़ दिखती है कि सार्वजनिक विकास कैसे, मानव का सार्वजनिक विकास किस प्रकार से हो सकता है, और मानववाद कैसे बनाया जा सकता है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट इनका एकात्मक अर्थनीति, जिसे बोलते हैं इंटीग्रल इकोनॉमिक्स, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट दिया गया है। और इन्होंने उसमें बताया, क्या बताया है, कि एकात्मक का मतलब समझ लीजिए, सबसे पहले तो समझ लीजिए एकात्मक का मतलब क्या है। एकात्मक का मतलब होता है कि जब क्या करें, जब हर पहलू को, मतलब कि हर पहलू को देखते हुए, मतलब कि मानव है ये, और मानव के हर पहलू को, इकोनॉमिक्स आपका, इकोनॉमिकल फैक्टर आपका, फिजिकल फैक्टर या हर तरह का फैक्टर हो, और इसको एक बहुत ही छोटे से एग्जांपल से हम समझ लेंगे। देखिए, मान एक इंसान के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत पैसा है, ठीक है, पैसों की कमी नहीं है, पर उसको सुख नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा, सुख नहीं है उसके जीवन में, क्या नहीं है, सुख नहीं है। अगर सुख नहीं है तो इन्होंने कहा, अगर ऐसा है कि व्यक्ति सुखी नहीं है, क्या नहीं है, सुखी नहीं है, और उसके पास पैसा बहुत है, तो ऐसी चीज़ का कोई फायदा नहीं है, ऐसे पैसे का कोई फायदा नहीं है। अब इन्होंने यही चीज़ कहा कि सुख होना बहुत ज़रूरी है, क्या होना जरूरी है, सुख होना बहुत ज़रूरी है, और ये कहते हैं कि मानव का इस तरीके से विकास हो कि हर हर एक प्रकार से विकास हो, एकात्मक हो, जिसके अंदर वो
सुखी रह सके और उसके पास हर प्रकार से सुख हो वो। तो यही चीज़ थी, थोड़ा सा हम इसके पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ गया एकात्मक क्या है। एकात्मक अर्थनीति मतलब हर एक सेक्टर में विकास होना चाहिए और व्यक्ति सिर्फ पैसों से नहीं और पहलू पर भी, और पहलू कौन से थे, आपका सुखी होना चाहिए मेनली वो बात है। अब देखिए एकात्मक मानववाद क्या प्रेरित करता है, एकात्मक अर्थनीति को बताता है। एकात्मक अर्थनीति मानववाद से जुड़ी हुई है। मानववाद क्या है कि मानववाद का मतलब है कि मनुष्य का एकाकी रूप में, एकाकी रूप में मतलब हर प्रकार से हर पहलू में, प्रत्येक पहलू में उसका विकास होना चाहिए, समृद्ध सुखी जीवन, ये देखो ये रहा सुखी जीवन उसको मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका इंटीग्रल इकोनॉमिक्स है कि उसका हर एक चीज में ध्यान जाना चाहिए। मानववाद एकात्मकवाद की अर्थनीति है जो कि ऐसी दृष्टिकोण रखता है कि हर प्रकार से उसका क्या हो, विकास हो, व्यक्ति क्या बना रहे, सुखी बना रहे, ये ना हो कि देखो एक हमने टीवी में भी देखते हैं, एक ऐड आता है टीवी में, मैं कई बार देखता हूँ कि उसमें क्या होता है, एक व्यक्ति कार में दो पति पत्नी जा रहे होते हैं और वो अपने आपस में लड़ रहे होते हैं किसी चीज छोटी सी बात को लेकर कि तुमने फोन ऐसा ले लिया, वो ले लिया। मतलब देखो पैसा बहुत है, कार है, पैसा बहुत है, पर लेकिन क्या है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। और साइड में हम देखते हैं एक साइकिल पर, एक व्यक्ति दो पति पत्नी जा रहे होते हैं और वो देखते हैं कि रात को खाने में क्या भिंडी बनी है, तोरी बनी है, उस पर ही बहुत मतलब कि आपस में खुशी हो रहे हैं कि चलो जब तुमने वो जो बनाया वो अच्छा है। तो मतलब कि क्या है कि सुखी होना बहुत जरूरी है। तो ये सुखी जो बात है ना, ये बहुत जरूरी है। देखो पैसा होना और सुखी होना दोनों एक अलग मतलब है। पैसा होने के बाद भी व्यक्ति सुखी नहीं रहता, क्यों, क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसकी इच्छाएं लगातार बढ़ती जाती है। तो इच्छाओं को क्या करना चाहिए, सीमित करना चाहिए। उसके बाद इनका जो दूसरा पॉइंट है वो है पूंजीवाद और समाजवाद का विरोध। किसका, पूंजीवाद और समाजवाद का विरोध। दो सेकंड रुकिए। हाँ हम कहाँ पर थे, हम थे दूसरे पॉइंट पर जिसे बोलते हैं पूंजीवाद और समाजवाद। इन्होंने क्या किया, पूंजीवाद मतलब कैपिटलिस्ट और आपका सोशलिस्ट, इसका क्या करा, विरोध किया। इन्होंने कहा देखो कैसा होना चाहिए, जो विकास होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो हर कहीं पर कैसा होना चाहिए, संलग्न होना चाहिए, मतलब हर कहीं विकास होना चाहिए। तो इन्होंने एक वर्ड दिया विकेंद्रित, क्या कहा, विकेंद्रित, मतलब विकेंद्रित का मतलब होता है हर एक पर केंद्र, मतलब कि हर पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए। मतलब कि उनके सिर्फ इकोनॉमिकल फैक्टर नहीं, हर एक फैक्टर पर ध्यान देना चाहिए और हर फैक्टर से वो क्या व्यक्ति होना चाहिए, सुखी होना चाहिए। मतलब कि आपका, आपके मन से, पैसों से, हर तरह से सुखी होना चाहिए। तो इनका मेन पॉइंट क्या था, इन्होंने कहा कि विकेंद्रित अर्थव्यवस्था, विकेंद्रित अर्थव्यवस्था मतलब अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं कि खाली पैसे पर डिपेंड करें, सिर्फ लोगों के कल्याण पर डिपेंड करें, नहीं, इन्होंने कहा कि हर प्रकार की, हर प्रकार मतलब सीधे सीधे मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात हुई कि हर प्रकार की क्या होनी चाहिए, हर प्रकार की अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। मतलब कि उसके हर तरह से, कुछ निजी के उसमें या हर प्रकार से उसका विकास करना चाहिए। और उसमें उन्होंने बात कही कि राज्य को नियंत्रित करने की अधिकार है, ठीक है, राज्य को नियंत्रित करना चाहिए, पर लेकिन इतना भी नहीं करना चाहिए कि हर चीज़ से बिल्कुल हो, मतलब दोनों पर केंद्रित हो, मतलब ऐसी हो जो कि दोनों पर केंद्रित हो। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो देखो ये कितनी अच्छी बात बताई कि मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में ये बता रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने ना ही पूंजीवाद और ना ही समाजवाद दोनों का बात नहीं करी, ना ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और ना ही सोशल इकोनॉमी, दोनों को मिक्स कर क्या बना दिया, मिक्स इकोनॉमी की बात करी। कैसी, मिक्स इकोनॉमी की बात। तो ये इनका एक मेन बात थी। आगे चल लेते हैं, आगे क्या है, थर्ड पॉइंट है सरकार की भूमिका, कि भाई क्या, कैसा भूमिका होनी चाहिए, मतलब गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए। गवर्नमेंट के तीन रोल बताए उन्होंने, क्या क्या, सबसे पहला उत्पादन को बढ़ाते रहो, फिर वितरण समान करते रहो और संयमित तो उपयोग करते रहो। मतलब क्या है भाई, देखो सबसे पहला होता है प्रोडक्शन को बढ़ाना। देखो बहुत जरूरी है प्रोडक्शन को बढ़ाना, और सरकार आज के समय पर भी प्रोडक्शन को बढ़ाने के हर एक उपाय करती है कि प्रोडक्शन कैसे बढ़े। दो तीन तरीके हैं, मैं एक बार बता दूं आपको। देखो प्रोडक्शन को बढ़ाने के, अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ले रहे हैं तो आपको जागरूकता लानी बहुत जरूरी है। जागरूकता किस प्रकार की होगी, सभी को जागरूक करना, ये मिट्टी का, सोयल का और सर चीज का। तो उत्पादन किसी भी प्रकार से हो, वो सरकार को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि किस तरीके से उसके देश का उत्पादन बढ़ सके। दूसरी चीज़ सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को जो वितरण है उस पर समान होना चाहिए। इसका मतलब आर्थिक असमानता को दूर करना। इसका मतलब क्या होता है, आर्थिक असमानता मतलब इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूट को क्या करना, कम करना।
तो समानता लानी चाहिए, मतलब इक्विटी लेनी चाहिए हर चीज में इक्विटी भाई, चाहे वो इकोनॉमिकल फैक्टर हो, चाहे वो और अलग कोई फैक्टर हो, जैसे कोई भी अलग फैक्टर हो, मतलब ये सारे फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद संयमित भोग, मतलब कि जो कंजम्पशन है वो कंट्रोलेड हो, मतलब कि ऐसा ना हो, देखो कंजम्पशन, देखो मैं मान लीजिए मैं अपने घर में रह रहा हूँ और मैंने अपना राशन रख लिया और मैं अंधाधुन कंज्यूम करूँ, मतलब कि मैंने जो कंजम्पशन कर रहा हूँ मैं वो लगातार कंजम्पशन करता जाऊँ कंजम्पशन, दो सेकंड को मैं कंजम्पशन क्या करता हूँ, लगातार करता जाऊँगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि मैं जब लगातार कंजम्पशन करता जाऊँगा तो मेरे रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो रिसोर्सेज को बचाने के लिए, मतलब कि अपने साधन को बचाने के लिए, मुझे जो कंजम्पशन है वो थोड़ा कंट्रोलेड रखना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को थोड़ा सीमित रखना पड़ेगा। तो ये आपका एक पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि रोजगार है मजदूरी के बारे में, कि रोजगार और मजदूरी कैसी होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट एंड वेजेस कैसे होनी चाहिए। इन्होंने कहा भाई सभी के लिए कार्य होना चाहिए, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है कार्य। और इन्होंने मेन पॉइंट इसमें कहा कि अगर प्रजातंत्र की सफलता लानी है तो आपको क्या करना चाहिए, लोगों के जीवन को व्यतीत करने के साधन को उपलब्ध कराना पड़ेगा आपको, लोगों को है लोगों को रोजगार चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उन्हें मजदूरी भी उसी हिसाब से मिलनी चाहिए, मतलब कि जितना उनका काम है उनकी उतनी ही मजदूरी मिलनी चाहिए, वेतन उनका होना चाहिए, एक न्यूनतम वेतन का वो बना दिया जाए, न्याय बना दिया जाए कि इतना न्यूनतम वेतन देना ही देना है, ऐसा ना हो कि न्यूनतम वेतन में वो सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है व्यवस्था करना। तो ये इन्होंने बहुत सारे पॉइंट दिए रोजगार और मजदूरी में कि रोजगार किस तरह का होना चाहिए। उसके बाद एक और पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं अन्योत्यदेय, इंग्लिश में भी अन्योत्यदेय बोला जाता है, ये भी आपको समझना बहुत जरूरी है। अनुत्यदेय का मतलब क्या होता है, अनुत्यदेय होता है कि जैसे कि मान लीजिए, कैसे बताऊं मैं इसको मैं ऐसे कहता हूं, जो कि मेन देखो जैसे कि एक देश है और इस एक देश में एक सबसे नीचे का स्तर है, क्या है सबसे नीचे का स्तर, जैसे मान लीजिए कोई भी एक स्तर मान लीजिए इस देश में रहने वाले लोगों का एक एरिया है, मतलब एक पर्सन है जो कि सबसे निम्न स्तर के माने गए हैं। तो अनुत्यदेय का मतलब होता है अगर आपको विकास करना है अपने देश में, अगर मुझे इस देश में विकास करना है तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा सबसे नीचे स्तर के लोगों से, मतलब कि जो सबसे निचली स्तर पर, मतलब कि सबसे लो लेवल पर जो व्यक्ति हैं सबसे पहले उनको बढ़ाना स्टार्ट करूंगा, जब वो बढ़ जाएंगे धीरे धीरे विकास होना खुद हो जाएगा। तो ये यही कहते हैं अनुत्यदय में। इन्होंने कहा सफलतापूर्ण आर्थिक विकास करना है तो अनुत्यदय बहुत जरूरी है। अनुत्यदय क्या है, अनुत्यदय की परिक्रमा विकास के कारण होती है, मतलब विकास करने के लिए, और इसमें आर्थिक दृष्टि से सबसे पिछड़े लोगों का उत्थान करना बहुत जरूरी है। इसमें किस तरह से विकास तभी संभव है जब समाज के अंतिम छोर, मतलब लास्ट पॉइंट से, लास्ट लेवल से, जो सबसे लो लेवल के विकास है उनका विकास हो। तो सबसे अन्योत्यदेय का मतलब होता है जब सबसे लो लेवल, मतलब लो लेवल पर जो वर्ग है, लो लेवल पर जो आपका वर्ग है उसको क्या करें, उसका हमें विकास करना है। अगर हम उन्हें उसका विकास कर दिया तो लगातार सबका विकास हो जाएगा, और यही चीज़ की भी जाती है, ठीक है। आगे औद्योगिक विकास बहुत जरूरी है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। कैसे होगा, इन्होंने कहा कि भाई छोटे छोटे उद्योग लगाने चाहिए। इन्होंने समर्थन किसका किया, छोटे छोटे उद्योग का किया। इन्होंने कहा छोटे छोटे उद्योग लगाना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है, छोटे उद्योग से जो भी हमारे आस पड़ोस में उद्योग लगते हैं, इससे क्या हो जाता है, इससे ना जीवन को व्यतीत करना आसान हो जाता है, मतलब जो आस पड़ोस में व्यक्ति है वो अपने दुकान वगैरह चलाते हैं और अपना जीवन चला सकते हैं। ये केंद्रीकृत होता है, उद्योग केंद्रीकृत माना जाएगा इसको। इन्होंने क्या क्या उपाय, अब एक बात ध्यान रखना, बड़े उद्योग का विरोध नहीं किया है, मतलब छोटे उद्योग का कहा तो कि छोटे उद्योग ज़्यादा लगाओ, लेकिन बड़े उद्योग का विरोध नहीं किया। इन्होंने कहा कि जो बड़े उद्योग है वो तो हमारे राष्ट्रीयकरण के लिए बहुत जरूरी है, जो बड़े उद्योग है, भारी उद्योग है, वो तो राष्ट्रीयकरण के लिए बहुत जरूरी है, राष्ट्र में बहुत जरूरी है। पर लेकिन हाँ ये है कि ऐसे जो बड़े उद्योग हैं, जो क्या कहते हैं, क्या बोल रहे, बड़े उद्योग को एक और वर्ड बोलते हैं, मैं भूल गया वो, तो जो बड़े उद्योग होते हैं, दीर्घ उद्योग जो होते हैं वो अच्छे हैं, पर लेकिन बस ये हो कि ऐसा ना हो कि लघु उद्योग को क्या कर दें, एक साइड कर दें। तो जरूरी है कि भारी उद्योग तो हो पर लेकिन लघु उद्योग के साथ जुड़े हुए हो, क्या हो, जुड़े हुए। तो इससे क्या होगा, इससे सही चलता रहेगा, मतलब सिंपल सी एक बात है, ये आपका
ये आपका, मैं इसको कह रहा हूँ बिग मतलब कि बड़ा उद्योग, और इसको कह रहा हूँ मैं स्मॉल छोटा उद्योग, मतलब कि एक बिग इंडस्ट्रीज है स्मॉल इंडस्ट्रीज है, ये आपस में लिंक हो, क्या हो आपस में लिंक हो, मतलब कि जो बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ से छोटी इंडस्ट्री वाले लाते हैं, इसमें बड़ी इंडस्ट्री का भी काम हो रहा है और इन छोटी इंडस्ट्रीज का भी काम हो रहा है। तो ऐसा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि बड़े उद्योग छोटी इंडस्ट्रियों क्या कर दे, खत्म कर दे। जैसे क्या हो कि भाई ये बड़ी उद्योग है ये छोटा उद्योग है, लोग बाग छोटे उद्योग पर जा ही नहीं रहे, सीधा कहाँ जा रहे हैं बड़े उद्योग पर जा रहे हैं, तो इस ऐसी कंडीशन में छोटा उद्योग क्या जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, ये थोड़ा सा इस पर ध्यान देना चाहिए। तो इसलिए जो बड़े उद्योग होते हैं मतलब जो फैक्ट्रीज होती हैं वो उससे क्या कहते हैं राज्य के ऐसे छोर पे होते हैं जहाँ की आबादी कम होती है सबसे ज़्यादा, या फिर एक मान बात मान के चलिए जो फैक्ट्री है वो आपके शहर से बाहर होती है, ऐसी कंडीशन में लोग बात सीधा फैक्ट्री पे नहीं जाएंगे, आपके जो छोटे उद्योग है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है वहाँ जाकर अपना सामान खरीदेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं कृषि विकास पर। कृषि विकास क्या होता है, कृषि विकास के बारे में उन्होंने सिंपल से कहा कि भाई भूमि सुधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए भूमि सुधार होना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए हर तरह के उसमें, कृषि जो होती है किसान जो होता है बेरोजगार ना हो इस तरह का उसे प्रबंधन करना चाहिए, आधुनिक तकनीक का प्रयोग पर बल दिया, परंतु ये कहा कि इसमें ध्यान रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर आधुनिक तकनीक बढ़ेगी तो हमारे जो वो है कहते हैं रोजगार वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रोजगार कैसे कम हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति का यूज ही नहीं होगा, जो हमारे लोग हैं लोगों का यूज ही नहीं होगा क्योंकि मशीनीकरण हो जाएगा सबसे ज़्यादा। और लास्ट इनका पॉइंट जो होता है वो आता है सीमित उपयोग। सीमित उपयोग का मतलब वही जो मैंने पीछे बताया, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना, इच्छाएं बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, उपभोग बढ़ेगा तो आवश्यकताएं अनियत हो जाएगी, और अनियत हो जाएगी तो सिंपल सी बात है हम चीज़ों को अंधाधुन यूज करना चाहेंगे और धीरे धीरे शोषण होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है, ये इन्होंने लास्ट में बताया। इनके कुछ क्वेश्चंस क्या क्या कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव, दीनदयाल उपाध्याय ने निम्न समर्थन किया, किसके बारे में समर्थन किया आपको पता है, किसके बारे में समर्थन किया, उपरोक्त सभी मतलब कृषि के बारे में, इनके बारे में आपको मैंने सबसे पहले बताया, इन सभी के बारे में इन्होंने समर्थन किया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत के विकास के लिए कैसे उद्योग चाहते थे, वो लघु उद्योग चाहते थे, आपको मैंने अभी बताया ही है। तो देखो इसी में से सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ रहे हैं और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन तो है, देखो कुछ भी पूछा जाए आप सारे इनके उठाकर जितने भी इकोनॉमिकल थॉट हैं वो सारे के सारे बता देंगे। तो ये हमारा टॉपिक हो गया दीनदयाल उपाध्याय। अब हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, फिर हम पढ़ेंगे अब नया टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हमसे जुड़े रहिए और ऐसे हमसे पढ़ते रहिए। धन्यवाद।